حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما واللعنة الله على عداء مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب الشح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في قران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك

सेकेंड लेक्चर में हमने अल्लाह की एग्जिस्टेंस उनकी वहदानियत और उसकी जो है ज़रूरत के बारे में देखा थर्ड में जो है हमने अल्लाह की अदालत अल्लाह के जस्टिस के बारे में देखा फोर्थ लेक्चर में हमने जो है नबूवत के बारे में डिस्कस किया फिफ्थ लेक्चर में हमने नबियों की स्टोरीज के बारे में डिस्कस किया कल के सिक्स लेक्चर में जो है हमने डिस्कस किया कि क्यों रसूल सल्ला वसम के बाद एक इमामत के सिस्टम का होना ज़रूरी है ख़लीफा के सिस्टम का होना जरूरी है और क्यों Allah जो है खलीफ़ा अपॉइंट करता है और क्यों हम मज़ब अहलबैत में मजहब शिया में जो है हम अमीरमुमुमिन इमाम अली अलीब्न अबी तलबात वसलाम के अलावा किसी और को भी जो है अपना खलीफ़ा नहीं मानते हमने देखा कि किस तरह सकीफ़ा बनु सदा में जो है लोगों ने अमीलम इमामब्न अबी तौब की खिलाफत को गस्ब किया और ख़ुद जो है मनसब खिलाफत पर बैठ गए जिसके वो हकदार नहीं थे और किस तरह मासूम के खिलाफत पर बैठने की वजह से जो है करबला जैसी इवेंट हुई आज हम देखेंगे क्यों हम अमीर इमाम अली अबी सलाम को अपना इमाम और अपना खलीफा अपना पहला इमाम मानते हैं हमने देखा कि भाई हमने कहा कि भाई अल्लाह अपॉइंट करता है हमने जो है सूरह बकरा की दो आयतें कल देखी थी आयत नंबर 124 और आयत नंबर 30 के अल्लाह सुबहान आयतों में फरमाता है एक आयत में जनाब इब्राहिम के बारे में डिस्कस करते हुए कहता है इन्नी जायल का लन्नासी इमामा और दूसरी तरफ इन्नी जायल का खलीफा जनाब आदम की स्टोरी डिस्कस करते वक्त तो हमने क्लियर देखा कि अल्लाह जो है अपना खलीफा और अपना इमाम अपॉइंट करता है क़ुरान से हमने प्रूफ देखा तो अब देखते हैं कि क्या कोई प्रूफ है कुरान में कि अल्लाह ने इमाम तालिब बताया बहुत एग्जाम्पल्स यहाँ एक, एक, एक किताब रखी हुई है जो पीछे है जिसमें एक हजार आयत है जो अमीर उलमिन इमाम अलीब्न अभीतम के बारे में नाजिल हुई बहुत सी आयतें हैं आइए कुछ, कुछ आयतों के बारे में देखते हैं सबसे पहले शरा की आयत नंबर 214 यानी सूर्य नंबर 26 की आयत नंबर टू हंड्रेड एंड फोटी छब्बीसवें सूर्य की दो सौ चौदह आयत में अल्लाह सुबहन व तालसमिल अशरतिकल अक्रबीन अपने नियरेस्ट रिलेटिव को बुलाओ स्टोरी को जो है हमने रसूल सल्ह वसलम की लाइफ हिस्ट्री में कवर कवर किया था हमारे माह रमज़ान लेक्चर सीरीज में जस्ट एक शॉर्ट यहाँ पे जो है उसका जिक्र करते हुए रसूल्ला वसलम पर वही नाजिल हुई कुछ टाइम बाद अल्लाह ने कहा इस आयत को नाजिल किया और कहा कि अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को जो है तुम दावत पर बुलाओ और उन्हें जो है दीन इस्लाम के बारे में बताओ अब रसोल्ला ने अपने इस आयत के नाजिल होने के बाद कि अपने नियरेस्ट रिलेटिव को जो है बुलाओ रसोल्ला ने जो है सबको बुलाया तीन दिन तक दावत की दो दिन तक अबू अहब ने मस्ती की सबको भगा दिया क्योंकि उसे पता था कि रसोल्ला सल वसम जो है क्या अनाउंस करने वाले इसीलिए जो है उसने डिस्टरप्ट कर दिया सब लेकिन तीसरे दिन जनाब अबू तालिब तालिम ने अबू लहब को बिठाया और रसूल से कहा कहीं आपको जो कहना है तब जनाब अबू तालिब तालम ने जब अबू लहब को बिठाया तब रसूल वसल्लम ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह ने मुझे नबी अपॉइंट किया और दीन इस्लाम दिया और किताब दी है और जो भी मेरे इस काम में मेरी मदद करेगा वो मेरे बाद मेरा वसी मेरा जानशीन और मेरा खलीफा होगा तो अब सारे शिया सुन्नी किताबों में मौजूद है कि इस इंसिडेंट में जो शख्स रसूल की मदद के लिए खड़ा हुआ वो थे जब रसोल्ला अपने मैसेज का ऐलान कर रहे तभी ही जो है उन्होंने अभी तो 10 साल मक्के 13 साल मक्के में, में जिंदगी 10 साल मदीने में जिंदगी पहले ही फर्स्ट में ही अनाउंस हो गया कि मेरे बाद मेरे वसी मेरे जानशी मेरे खलीफ़ा अमीरमुमिन इमाम अली अलीबन अभी पालिबल होंगे फ़र्स्ट इंस्टेंस सेकेंड इंस्टेंस सूर मायदा की सूर्य नंबर फ़ाइव की आयत नंबर फ़िफ्टी फाइव में अल्लाबह व तरमाता है बिसमीम इन नमावली को मल्ल हो वरूल हो वजीन आमनज़ी यकीमोन सलात व ज़क़़़़़त वह मुफस्टरीन इस आयत के बारे में देखते हैं कि मुफस्सरीन जो है कहते हैं कि ये आयत जो है जब नाजिल हुई है। कब नाजिल हुई जब ने जो है अंगूठी जो है नमाज में दी आयत क्या कहती है बस्मिलियो यकीनन अल्लाह तुम्हारा वली है व रसूल और उसके रसूल तुम्हारे वली है यानी अल्लाह तुम्हारा गार्डियन है अल्लाह तुम्हारा संभालने वाला है

तब एक फ़कीर आया मस्जिद नबी में और कहा कि ए अल्लाह है कोई जो मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे किसी ने कुछ नहीं दिया वो मांगता रहा मांगता रहा फिर उसने अल्लाह की बारगाह में कम्प्लेन किया कि मैं तेरे नबी की मस्जिद से खाली जा रहा हूं जब उसने डायरेक्ट मांगा तब अमीर उल्मीन ने नहीं सुना क्योंकि वो नमाज में अमीर उल्मी का अल्लाह की बारगाह में कॉन्सेंट्रेशन था लेकिन जब उसने अल्लाह की बारगाह में फकीर ने फरियाद किया कि मैं तेरे नबी की यहाँ से जा रहा हूँ तो अमीर उल्मी इमाम अली की बारगाह के इतने नजदीक थे कि उन्होंने फकीर को इशारा किया और फ़कीर अप अंगूठी जो है अपनी हालत रुकू में जो है उसको दे दी जक़ात दे दी तो ये आयत उसके बाद फौर नाजिल हुई कि अल्लाह तुम्हारा वली अल्लाह तुम्हारा गार्डियन है और उसके रसूल और वो लोग तुम्हारे गार्डियन हैं कि जो नमाज कायम करते हैं ईमान लाए नमाज कायम करते हैं जक़ात देते हैं जब वो हालत रुकू में हो जब वो रुकू की हालत में हो तो ये हमने सेकेंड इंस्टेंस देखा थर्ड इंस्टेंस सूर नूरा नंबर फोर की आयत नंबर फिफ्टी नाइन में अल्लाबहान वाल मजीद में फरमाता है यह आयत हमने कल भी डिस्कस की थी कि बिसमन अति व अति रसूल व उलिल अम्रे की इतात करो उसके रसूल की इतात करो और उन लोगों की जो तुम्हें से रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते अब ये कौन है रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने वाले क्या यजीद हमारा उम्र हो सकता है के जो शराब पीता है जो नमाज नहीं पढ़ता जो गंदी गंदे काम करता है नहीं यकीन ये उल नमर कोई वो हो जिसे अल्लाह ने अपॉइंट किया इस आयत को हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था इसके बाद हम देखते हैं कि सूरा नंबर फोर्टी टू सूर शोरा की आयत नंबर ट्वेंटी थ्री में जो है अल्लाह सुबहान फरमाता है बसम कुल लाकुम यानी जब लोगों ने रसोल्ला से कहा कि आपने जो है हमें दीन इस्लाम सिखाया हमें जहालत से बाहर निकाला तो हम आपको क्या गिफ्ट दें तो अल्लाह अल्लाबहन व तआला ने इस आयत को नाजिल किया कि कह दो कुल ला असअलकुम लाकन मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे कोई अज़र नहीं चाहिए इल्ला फिल कुर्बा सिवाय इसके कि तुम मेरे जो करीब है उनसे जो है मोहब्बत करो और करीब कौन है ये मोहम्मद महम्मद वाल महमद्ल् वसल्लम अमीरुल अमीरमिन बीबी फातिमा अज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा और उनकी जो है आल वो जो है ये करीब लोगों में से हैं इसके बाद अगली आयत हम सूरह अहزاب सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 33 में देखते हैं कि بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ل البيت ويطهركم सूरह नंबर 33 आयत नंबर 33 जो है इसा की आयत नंबर 33, 33 में अल्लाह क्या कहता है कि के इनमा योरीदुल्लाहु यकीनन अल्लाह का यह इरादा है लेयज़हबा अनकुम अर-रिद्स अहलेल बैत के तुम अहले बैत से रिद्स को बुराई को गंदी चीजों को आपसे दूर रखें वयुतहीरकुम ततहीरा और आपको उस तरह पाक रखे जिस तरह पाक रखने का हक हाँ है तो ये जो अहले बैत है हदीसों में मौजूद है यहाँ तक कि सुन्नत की किताब सही बुखारी में भी ये मौजूद है कि अहल बैतुम सलाम में जो है अमीरमीन इमाम अली अलीबनबी तोलम बीबी फातम जहरा साली थी उनकी, उनकी जोजा जो है अहल बैत में नहीं आते और ये आयत सिर्फ़ और सिर्फ जो है और ये उनकी किताब है हाँ उनकी किताब उनके रेफरेंस की लेकिन हमारे लिए हदीस किस्ा है कि जिसमें हम पढ़ते हैं कि ये जो अहल किसा थे

आओ तुम अपने बेटों को ले आओ हम अपने बेटों को ले आते हैं। तुम अपनी औरतों को ले आओ हम अपनी औरतों को ले आते हैं। तुम अपने जैसों को को ले ले आओ, हम अपने जैसों को ले आते हैं। और फिर सब मिलकर जो है अल्लाह की लानत झूठों पर करते हैं तो जब इसमें किस को ले गए रसूल बच्चों में इमाम हसन इमाम औरतों में बीबी फातमरा सला और अपने जैसों में सारे साहबी सोच रहे थे कि रसोल्ला अपने जैसा किसको मानते हैं अपने जैसे किसको ले जाएंगे तो रसूल वसल्लम ने सारी किताबें मौजूदे के मैदान मुबाइला में अपने जैसों में जो है रसोल्ला ने अमीरुल मुमिनीन इमाम अली इब्न अबी तलबात वसलाम को ले गए और मैंने जैसे बताया कि किताब जहाँ रखी है इस किताब में एक हज़ार आयत है अमीर के बारे में जितना डिस्कस करेंगे अमीरुल उल्मिन की फजीलत और उनकी इमामत और उनकी वलायत के प्रूफ उतना कम है लेकिन हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल देखे कि कि कुछ आयतों में किस तरह अल्लाह ने क्लियर कर दिया कि अमीरुल उल्मिन की फजीलत अमीरुल उल्मिन की विलायत उनकी इमामत सबसे ऊपर है और किसी और को इमामत विलायत अमीरुल उलमिन और उनके बाद ग्यारह इमामों के अलावा किसी और को भी जो है इमामत विलायत का जो है हक हाँ नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अपॉइंट करता है अब ये हमने कुरान देख लिया अब आते हैं हदीस पर राइट क्योंकि हम जानते हैं हमने रसूल सल्लाम की उस हदीस को पढ़ाई के बसमिल्ल रहीम इन तारकिन किताब अल्लाह व इतरती अहलबैती माँ इन तमस्क तुम मेहमा लन तबादी अबदा मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी इितरत मेरे अहले बैत अगर तुम इन दोनों से मुतमस्क रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो कभी भटकोगे नहीं अगर तुम इन दोनों से अटैच रहोगे तो आते हैं रसुल्ला की एक हदीस पे हदीस मंजिलत जंग तबूक के टाइम जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को मदीने में रखा क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ लोग मदीना में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे इसलिए रसुल्ला चाहते थे कि कोई उनके जैसा हो जो मदीने में रहकर सिचुएशन को कंट्रोल करे तो इसीलिए रसुल्ला ने अमीरमिन को मदीने में रखा तो लोगों ने र्यूमर्स फैलाए कि रसूल्ला इमाम अली से नाराज़ है इसलिए उनको जंग पे नहीं ले जा रहे तो अमीर उलमिन गए कि रसोल्ला लोग ऐसे कह रहे हैं तो रसोल्ला ने कहा ए अली क्या तुम इससे खुश नहीं हो कि तुम्हारी मंजिलत तुम्हारा लेवल मेरे नज़दीक वैसा है जैसा जनाब मूसा के नज़दीक जनाब हारून का था नबी आबादी सिवाय इसके कि मेरे बाद जो है कोई नबी नहीं है जनाब हारून और जनाब मूसा का क्या था कि जब जनाब मूसा कोहे तूर पर गए माउंटेन ऑफ तूर पर गए थे तब उन्होंने जनाब हारून को कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गए थे तो रसोल्ला ने कहा कि उसी तरह जिस तरह जनाब मूसा के लिए जनाब हारून एक वज़ी थे एक असटेंट थे उसी तरह मेरे लिए तुम उसी तरह हो सिवाय ऐसे के मेरे बाद कोई नबी नहीं है उसके बाद सूरह तौबा जो सूरह नंबर नाइन है अल्लाह ने 114 सौ जो है कुरान मजीद में नाजिल किए राइट 113 हंड्रेड को अल्लाह ने बिस्मिल्लाह से शुरू किया है रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है हर जगह अल्लाह ने अपनी रहमत बताई लेकिन सिर्फ एक सूरा है कि जिसमें अल्लाह ने बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया वो है सूर बरात सूर तौबा सूरा नंबर नाइन अब जब कुफारे मक्का बहुत जुल्म करने लगे तो अल्लाह ने कहा कि बस अब रहमत इनके लिए खत्म और अल्लाह ने जो है सूर तौबा सूर बरात का ऐलान नाजिल किया रसोल्ला पे तो बकर जो थे वो गए सूर तौबा का लेके रसोल्ला ने कहा जाओ आप जो है कुफ़ार मक्का के सामने सूर तोबा को ऐलान करो उनको सुनाओ अब जैसे ही वो अबू बकर को भेजा रसोल्ला ने जनाब नाजिल हुए कि अल्लाह कहता है कि या आप या आप जैसा कोई हो जो कुफ़ार मक्का को मैसेज पहुँचाएँ रसोल्ला ने फ़ौर अमीरीन से कहा कि जाओ अबू बकर से सूर तौबा लो और अमीरी इमाम अली येब ने अभी तलिब से कहा कि आप जाकर जो है कुफ़ार मक्का को सूर तोबा बताएँ तो यहां भी क्लियर है कि किस तरह अल्लाह ने अमीर इमाम अली तालिब को जो है फजीलत दी मंजिलत दी और आखिर में सबसे बड़ा जो इवेंट जिस आयत की मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में तिलावत की राइट कि अल्लाह सुबहान तुरानी मजीद में कहता है जब आखिरी हज करके रसूल लौट रहे थे गदीर के मैदान में अल्लाह ने आयत नाजिल की रहीम या आयो हर रसूलो बल्ले ए रसूल ऐलान कर दो माउन जिला रबिक जो ऐलान करने को कहा गया है तुम्हारे रब की तरफ से फिलम तफअल अगर तुमने ये ऐलान नहीं किया फमा बलता रिसाल तो रसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया तेरह साल मक्के में पत्थर खाए लोगों के कचरे लोगों ने कचरा फेंका लोगों ने मजनून कहा इतनी तकलीफें उठाई दस साल मदीने में लोगों ने इतनी जंगें की अल्लाह क्या कह रहा है अगर ये नहीं पहुंचाया तो अगर रिसालत का कोई काम नहीं किया और अल्लाह जो है तुम्हें लोगों के शर से बचाएगा इन अल्लाह कौमल कोमल अल्लाह काफी की हिदायत नहीं करता यह आयत जब नाजिल हुई तो रसोल्ला मैदान गदीर में थे रसोल्ला ने सबको जमा किया जो आगे चले गए तो उनके लिए उनको पीछे बुलाए जो पीछे रुके तो उनके लिए रुके और जब सब जमा हो गए तब रसुल्ला ने खुतबा दिया और सबके सामने अमीर को दोनों बाज़ुओं पर उठाए इतना उठाया कि रसुल्ला खुद जो है छुप गए और कहा फमन कुंत मौला फली मौला जिस जिसका मैं मौला हूँ उस उसके ये अली मौला है और जिसने सबसे पहले मुमिनीन को उठकर मुबारकबाद दी लोगों में से वो था उमर अबन खत्ताब जिसने कहा बخिन बخिन या अमीर अली बीन अबी तालिब और ये जो अमीर का जो टाइटल है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इमाम अबी ालिबलाम तो के लिए यूज़ किया जाता है छठे इमाम इमाम जाफ़र सदिकलातम तो से को किसी ने अमीर उमामिन कहा इमाम सदक ने कहा यह टाइटल ये, ये अमीरमिन का जो लक़ब है ये सिर्फ़ और सिर्फ

अल अकमल तोल दी वम तो व रजी तो लकम इस्लामीना आज के दिन हमने जो है अकमल तो लकुम दीन हमने तुम्हारे दीन को कम्प्लीट कर दिया नेमती और हमारी नमतें तुम पर तमाम कर दी व रजी तो लकुम इस्लाम दीन और हम दीन इस्लाम से राजी हैं और ये सारे किताबों में मौजूद हैं सारी किताबों में के मैदान गदीर में और सिर्फ एक नहीं कई लोगों ने इस हदीस को नरेट किया है अला जो हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे उन्होंने अल गदीर नाम की किताब लिखी है कि जिसमें उन्होंने सारी किताबों से शिया की किताबों से सुन्नी की किताबों से सारी किताबों से जो उन्होंने प्रूफ लिखे कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने अमीर इमाम अली तो वसलाम की इमामत का सबूत दिया है खुद कहा है इंक्लूडिंग अबू उमर उस्मान आयशा जनाब सलमान जनाब अबू जर जनाब मकदाद जनाब अम्मार जनाब अब्दुल्लाह अंसारी बीबी फातिमा ज़हरा फातिबहरा अलैहा इमाम हसन इमाम हसैन अब्दुल्लाह इब्न उमर सब के बारे में सब ने जो है अपनी आ, ये रवायत नकल की जनाब इब्न अब्बास सब ने नकल की मुतवा हदीस यानी इसको कोई जो है रद्द नहीं कर सकते एकदम सही हदीस है कि मैदान गदीर में अमीर को जो है रसूल ने अपने बाद अपना जानशीन और अपना खलीफा अपॉइंट किया ये था अठरा जिलहज टेंथ ईयर आफ्टर हिजरा और बस दो महीने के अंदर अंदर अट्ठाईस सफर लेवेंथ हिजरी में जो है जब रसूल सल्ला वसलम की इस दुनिया से शहादत हुई उसके बाद लोगों ने जो है इस गदीर के अनाउंसमेंट को भुला दिया लोगों ने उन सब आयतों को भुला दिया हदीस मंजिलत को भुला दिया आयत विलायत को भुला दिया आयत मदतद को भुला दिया आयत तथहर को भुला लिया सारी आयतों को लोगों ने भुला दिया और लोगों ने जो है ख़िलाफ़त को अमीरुमीन से गसब कर लिया सैद फ़ातिमत जहरा अलैहा का दरवाज़ा जलाया गया उन पर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया अमीरमिन के गले में रस्सी का फंदा डाला गया वही जिसे बखिन बखिन अली अमीरमिन कहा था उसने अमीरमिन पर म किया सै जहरा अलैहा पर म किया और उन्होंने ही जो है सकीफ़ा बनु सायदा में अमीर से खिलाफत छीन कर अलैहिस्सलाम पर जो जुल्म व सितम का सिलसिला शुरू किया वो जुल्म व सितम का सिलसिला फातिमा ज़हरा की शहादत में हुआ जनाब महसिन की शहादत में हुआ उसके बाद अमीरमिन इमाम अली अलीबन अबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ मुआविया इब्न अबी सूफियान ने जंग सिफीन में जंग लड़ी उसके बाद उनको जो है सजदे की हालत में इक्कीस रमज़ान को शहीद किया गया इमाम हसन को मुआविया ने जादा बिन तशस के थ्रू शहीद करवाया और आखिर यजीद यजीदबन मुआविया ने मैदान करबला में इमाम हुसैन हसैन अलाम को तीन दिन भूख और प्यासा रखने के बाद शहीद किया यह जुल्म की शुरुआत करबला में नहीं बल्कि रसूल सल्हलम की शहादत के फ़ौर बाद अट्ठाईस सफ़र बनू सायदा में हुई कि जब अमीरमिन से ख़िलाफ़ छीन कर लोगों ने अहल बैत पर जुल्म करना शुरू किया यजीद यज़ीदन माविया ने जो है उसी पैटर्न को फ़ॉलो किया उसी पात को फ़ॉलो किया कि जो उससे पहले के लोगों ने जो अहल बैत पर जुल्म कर कर किया यजीद इबन माविया इमाम हुसैन को जब करबला में घेर कर लाया और उसके वालिद ने भी जो है इमाम हसन को जो है बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई और उनको शहीद किया इमाम हसन जब इस दुनिया से जा रहे थे तो कासिम जनाबिम्सम की ज़क्रेन फरमाते हैं रिवायत में मौजूद है कि उनकी एज बहुत छोटी थी टू या थ्री ईयर्स की थी जनाबिम्सम जो है मैदान करबला में जो है जब आए सारे शहदा को जो है इजाज़त मिलती गई जनाब कासिम बार बार आते गए बीबी उम्मे फरवा ने कहा कि ए कासिम तुम जो है क्यों नहीं जाते जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने कहा अम्मा चचा जान इजाज़त नहीं देते जनाब कासिम अलैहिस्सलाम आए उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की इमाम ने कहा मैं तुम्हें कैसे भेज दूँ तुम तो मेरे भाई इमाम हसन की निशानी हो जाओ तुम जो है अपनी वालिदा बीबी उम्मे फरवा को प्रोटेक्ट करो जनाब कासिम अलैहिस्सलाम रोते हुए आए तब उन्हें याद आया कि इमाम हसन आसमाम जब इस दुनिया से जा रहे थे उन्होंने जो उनको उन्हों एक तावीज़ दिया था तो और कहा था कि जो सबसे मुश्किल घड़ी हो तब इस तावीज़ को खोलना नबि कासिम ने कहा इससे मुश्किल घड़ी और क्या हो सकती है उन्होंने इस तावीज़ को खोला उसको पढ़ा उसमें में इमाम हसन ने अपने भाई इमाम हसैन आसम के लिए ख़त लिखा था फ़ौरन दौड़ते हुए जनाब कासिम इमाम हसैन आलम के पास गए उन्हें इमाम हसन आल्लम के उस ख़त को दिखाया इमाम हुसैन आलम की आँखों से आंसू जारी हो गए कि इमाम हसन ने लिखा था कि अ भया हुसैन करबला में मैं तो नहीं हूँ लेकिन मेरी जानब से मेरे इस फर्जन कासिम को जो है इजाज़त देना कि वो जो है मेरी शुजात और अमीरमिन की शुजात को जो है दिखा सके इमाम हुसैन ने जो है जनाबिम को सीने से लगाया और उनसे पूछा कि असिम जनाब कासिम तेरह चौदह साल की एज के थे जनाबिम से पूछा कि असिम तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है जनाब कासिम बनी हाशिम के थे इमाम हसन के फरजंद इमाम ज़ादे थे उन्होंने कहा जान, मेरे नज़दीक मौत शहद से ज़्यादा मीठी है इट्स स्वीटर देन हनी इमाम हुसैन ने उनको गले लगाया जनाब अब्बास ने उनको तैयार किया जनाब कासिमसम जो है घोड़े पर सवार हुए उनके जो है वो इतने छोटे थे कि उनके पैर जो है तक जो पैर रखना होता है ना घोड़े पे बैठ के वहां तक भी नहीं पहुँचते थे लेकिन बाबल हवा जब अब्बास ने जो उनको तैयार किया मैदान जंग में जनाब कासिम गए और इमाम हसन आम की जो ब्रेवरी थी जो जंग सिफीन में इमाम हसन ने जो है लोगों को जंग दिखाई थी लोग जो इमाम हसन को कमज़ोर समझते कि उन्होंने सुलह कर ली लेकिन जिस तरह इमाम हुसैन शुजात थे उसी तरह इमाम हसन की शुजात थी बस उनके हालात कुछ इस तरह थे कि उनको जो है सुलह करनी पड़ी लेकिन इमाम वसन की शुजात और इमाम अमीर की शुजात को जनाब कासिम ने मैदान करमला में दिखाया तीन दिन के भूखे प्यासे थे लेकिन जनाब कासिम तेरह साल की उम्र में लोगों की जो है यजीदी आर्मी को कत्ल किए जा रहे थे बड़े बड़ों को कत्ल कर रहे थे आखिर में जो है लोगों ने जो है जनाब कासिम को घेरा अचानक जनाब जनाबिम ने सदा लगाई इमाम हुसैन आसमाम को मदद की जब इमाम हसन आस इमाम हुसैन आल्लम जब दौड़ते हुए जनाब कासिम की मदद को जाने लगे तब लोगों में एक भगदड़ मच गई और जनाब जो है घोड़े से ज़मीन पर गिर गए और उनकी जो है लोगों ने उनकी लाश के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए और जनाब काज़िम की ज़िंदा जो है टुकड़े हो गए जनाब कासिम कहने लगे असलम आई क्या बाबिल्ला चचा जहान मेरी मदद को आई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए अपने भतीजे की मदद को गए लेकिन जनाब कासिम के टुकड़े ही मैदान करबला में बिखरे हुए मिले

इमाम ज़माना शरीफ़ के र में ताजील फरमा मेरे परवरदिगार हम सब को इमाम के नासरीन में शुमार फरमा मेरे परवरदिगार हमारे ईमान को सलामत रख और हमें अमीर इमाम अलीब ने अबी तालम की विलायत व इमामत को जानने पहचानने और दूसरे तक पहुँचाने की तोफ़ी अता फ़रमाए मेरे परवरदिगार इस दुनिया से इस करोना वायरस पेंडेमिक को ख़त्म फरमाए मेरे परवरदिगार है मेरे अल्लाह जो रिस्क के प्रॉब्लम में मेरे परवदेगार उनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए मेरे परवरिजेगा जो जो जिस मजलिस में हलाल हाजतें लेकर आए उन सबकी हलाल हाजतों को कबूल फरमाए उनके हक़ हाँ में बेहतर के लिए इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और इमामत पार्ट थ्री के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल शाम पाँच बजे जाकल थैंक यू फॉर जॉइनिंग वा व आखर दावान रबालमी मर महमद वाल मुहम्मद सलोत اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم